गहरा लंबा सांस लेंगे और आहिस्ता से एक्सहेल करेंगे। अपने हाथों को अपनी आंखों पर लाएंगे, थोड़ा देर रख कर अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। हरिओम सभी को, हरिओम। थैंक यू अमित जी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एक बार बता दीजिए, मेरी आवाज़ आपको सही से आ रही है और स्क्रीन दिख रही है? थैंक यस मैम। यू। हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और गैगनीज हायरार्की ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। ब्लूम क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ब्लूम का शिक्षण और अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, कि ब्लूम ने जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनका वर्गीकरण किया है, कितने भागों में किया है, उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव डेवलप्ड इन द 1956 बाय द अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बेंजामिन ब्लूम, मतलब किसने किया है इसका वर्गीकरण, 1956 में अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बेंजामिन ब्लूम द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ठीक है, इसमें क्या किया है इन्होंने, तीन भागों में बांटा है। इस वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित तीन श्रेणियों के लिए निर्देशात्मक उद्देश्य हैं। ठीक, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले है इसमें कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा होता है अफेक्टिव डोमेन, यानी भावनात्मक पक्ष। तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, जिसे हिंदी में कहते हैं मनोक्रियात्मक पक्ष। जो हमारा कॉग्निटिव है वो हमारा दिमाग से रिलेटेड है। ठीक है, जैसा इमेज में दिखाया गया है कि जो सारा हमारे दिमाग से होगा, हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, वो हमारा कॉग्निटिव में आ जाएगा। फिर अफेक्टिव जो डोमेन है वो है हमारे इमोशन से रिलेटेड, जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती है या जितनी भावनाएं होती है वो सारी हमारी अफेक्टिव डोमेन में आ जाती हैं। तीसरा है साइकोमोटर, वो है हमारा जो हम नई नई स्किल्स सीखते हैं, जैसे ड्राइविंग हो गई, ऐसी ऐसी चीजें जो चीज मतलब जो हमें काम करने होते हैं। ठीक है, ये है इसका इंट्रोडक्शन, आगे इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है कॉग्निटिव डोमेन, यानी संज्ञानात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, थिंकिंग और नॉलेज, एंड इट इज द कोर लर्निंग डोमेन। मतलब यह बौद्धिक क्षमता यानी सोच या ज्ञान के विकास से संबंधित है और यह सीखने का मुख्य क्षेत्र है। मतलब सबसे पहला ही है क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन, तो ये हमारा हो जाएगा कह सकते हैं कि कोर लर्निंग डोमेन, मतलब सबसे पहले वाला है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारी जो सोच होती है, जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, या जितना भी हमारा ज्ञान होता है उसके विकास से संबंधित है। ठीक है, तो इसके जो कह सकते हैं इसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं वो छह आते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं, पहला है इसमें नॉलेज। ठीक, इसमें क्या होता है, इट इज बेसिकली अबाउट रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, यानी यह मूल रूप से जानकारी को याद करने के बारे में है। मतलब जितनी भी हमें पहले हमने कोई भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उस चीज को याद करने के बारे में है, ये जो हमारा पहला पॉइंट है इसका। ठीक है, अगला है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें होता है, इट इज द एबिलिटी टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ अ मटेरियल, मतलब समझ, यह किसी सामग्री के अर्थ को समझने की क्षमता है।
मतलब पहला था कि हमारे पास जो कोई भी ज्ञान है उसको जो याद करने के बारे में होगा वो हमारा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन है वह है उस ज्ञान के अर्थ को समझने की जो क्षमता होती है। जो भी हमने इंफॉर्मेशन याद की है या जिसके बारे में भी हमें पता है उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, उसके बारे में जो समझने की क्षमता होती है वो आ जाती है हमारी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, तीसरा पॉइंट है इसमें एप्लीकेशन। इट कन्वर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज इनटू प्रैक्टिस, मतलब अनुप्रयोग। यह अमूर्त ज्ञान को व्यवहार में परिवर्तित करना है। अब पहले तो पहला तो था हमारा ज्ञान, कि कोई ज्ञान है हमें, फिर हमने उसको रिकॉल किया, फिर उसके बाद हमें उसका अर्थ समझना है, बस उसको रटना नहीं है, उसका अर्थ समझना है, ठीक है। तो जो हमारा पूरा कोई भी मान लो किसी चीज़ के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हमें उस चीज़ को कह सकते हैं कि अप्लाई करना है, मतलब उसका एप्लीकेशन करना है, उसको अप्लाई करना है अपने जीवन में, ठीक है। यह है इसकी शुरू के 3 पॉइंट्स। अगला देख लेते हैं, अगला है इसमें एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन अ कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स इन सच अ मैनर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इज अंडरस्टूड बेटर। मतलब एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज का विश्लेषण करना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि संचार को उसके घटक भागों में इस तरह से तोड़ना शामिल है, मतलब उसको इस तरह से डिवाइड करना है कि विचारों के बीच के संबंध को बेहतर ढंग से समझा जा सके। मतलब के पहला हो गया हमने इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर लिया, दूसरा है उसके अर्थ को समझा, जो तीसरा था वो था उसको कहीं अप्लाई किया, ठीक। फिर इसमें क्या आता है, एनालाइज करना, कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसी चीज़ के बारे में उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करना और फिर उसके बारे में कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अगला है सिंथेसिस। इट इज बेसिकली अबाउट कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू मेक इट अ होल। इट इज एंटोनी ऑफ एनालिसिस, मतलब संश्लेषण इसे कहते हैं हिंदी में। ये बिल्कुल विश्लेषण का विलोम है, एनालिसिस का विलोम शब्द है सिंथेसिस, ठीक। यह मूल रूप से घटक भागों को जोड़कर इसे संपूर्ण बनाने के बारे में है, ठीक है। मतलब पहले क्या किया हमने, जो छोटे छोटे पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि उसके बारे में हमें और ज्यादा समझना था, ठीक है, उसके बारे में और ज्यादा समझना था। जब हमने वो चीज कर ली, वो वाला स्टेप हमारा हो गया, किस चीज के बारे में हमने समझ लिया उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है। फिर क्या करना है कि उसको हमें संश्लेषण करना है, उसका मतलब जो हमने वो पार्ट्स बनाए थे उसको हमने पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा एक जोड़ बना दिया उसका, मतलब उसको पूरा कर दिया हमने, जो हमने अलग अलग तरह से समझा था उसको हमने फिर इकट्ठा जोड़ लिया, ठीक है। फिर आता है सबसे लास्ट में इवेल्युएशन। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व जजमेंट मेड अबाउट द वैल्यू ऑफ मेथड्स एंड मटेरियल्स फॉर पर्टिकुलर पर्पस, मतलब मूल्यांकन। इसमें विशेष उद्देश्यों के लिए तरीकों और सामग्रियों के मूल्यों के बारे में निर्णय शामिल है, ठीक है। तो इसे मैं क्वेश्चन बताती हूँ कि किस टाइप का आ सकता है। जैसे पहले भी से क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये 6 पॉइंट्स है इसके, ठीक है, हमारे कॉग्निटिव डोमेन के, ठीक है। तो इसमें ही इस तरह से पूछ सकते हैं कि इसके 4 दे दिए, कोई भी 4 दे दिए, ठीक है, और बाकी 2 कोई और शब्द दे दिए, तो वो इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कॉग्निटिव डोमेन के अंडर आता है, या फिर ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आ सकते हैं कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, या फिर कह सकते हैं कि उल्टे करके आ सकते हैं कि लास्ट वाला कौन सा है, फिर उससे पहले वाला कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। पहले वाले में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो क्लियर है मैम। सभी को? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। फिर देखते हैं इसी के बारे में, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में चल रहा है अभी। पहले क्या था, जैसा हमने पहले पढ़ा कि जो हमारा शुरू में दिया था 1956 में जो ब्लूम द्वारा दिया गया था उसमें ऐसे पॉइंट्स थे। पहला नॉलेज था, फिर कॉम्प्रिहेंशन था, एप्लीकेशन था, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। लेकिन इसको क्या किया गया, जो एंडरसन थे, जो हमारे कह सकते हैं ब्लूम के छात्र थे, पुराने छात्र, उन्होंने इसको 2001 में दोबारा से कह सकते हैं रीअरेंज किया था, मतलब थोड़े इसमें चेंजेस किए थे 2001 में। आया ये 1956 में था, ब्लूम द्वारा दिया गया था, लेकिन इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसको कौन से ईयर में रीअरेंज किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 2001 में रीअरेंज किया गया, एंडरसन के द्वारा किया गया, जो कि स्टूडेंट थे ब्लूम के ही, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल था, जो सबसे पहला दिया गया था, वो ब्लूम के द्वारा दिया गया था 1956 में। तो इसमें क्या चेंजेस थे,
बाकी तो सेम ही था, जैसे नॉलेज को इन्होंने रिमेम्बर कर दिया कि याद करने वाला था, क्योंकि नॉलेज में हमें क्या था, जो हमारा पहले से हमारे पास नॉलेज है उसको हमें रिकॉल करना था, तो इन्होंने इसको ऐसे ही रख लिया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया अंडरस्टैंड, कि उसके अर्थ को हमें समझना है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको बस रटना नहीं है, उसके अर्थ के बारे में हमें जानना है। फिर था अप्लाई, कि उसको अप्लाई करना है अपने जीवन में, ठीक। अगला था एनालाइज, फिर इन्होंने क्या किया, जो इसमें हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट था उसको इन्होंने लास्ट में कर दिया, सिंथेसिस को इन्होंने क्रिएट बना दिया, और जो हमारा इवेल्युएशन था वो ये पहले नंबर पे ले आए। तो इस तरह से भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा 2001 वाला आया था ब्लूम टेक्सोनॉमी का, कॉग्निटिव डोमेन वाला, तो उसमें क्या चेंजेस हुए थे, या कौन से पॉइंट्स को उन्होंने एक्सचेंज किया था, ठीक है। तो इन दोनों का आप सीक्वेंस याद रख लीजिएगा, जो हमारा ओरिजिनल है जो 1956 में दिया था बेंजामिन ब्लूम ने, उसमें था नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस और इवेल्युएशन, लेकिन जो 2001 में दिया एंडरसन ने, उनके ही स्टूडेंट ने उसको रिवाइज किया थोड़ा सा, उसमें रिमेंबर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज इवेल्युएट एंड क्रिएट, तो ये दोनों का आपको सीक्वेंस याद रखना है। जो दूसरा वाला है उसमें थोड़ा ही फर्क है, आगे पीछे किया है लास्ट के दो पॉइंट्स को, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम, ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड। सेकंड है हमारा अफेक्टिव डोमेन, यानी जिसे कहते हैं भावनात्मक पक्ष, ये होता है हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ। पहला था संज्ञानात्मक, जो हमारे ज्ञान से होता है, या जितनी हमारी सोच होती है, जितनी हमारी बौद्धिक क्षमता होती है। सेकंड है हमारी भावनाओं से रिलेटेड, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। अफेक्टिव डोमेन डील्स विद एटीट्यूड, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, वैल्यूइंग व्हाट इज बीइंग लर्न्ड, एंड अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेटिंग द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इनटू अ वे ऑफ लाइफ। मतलब जो हमारा प्रभावित डोमेन है वह दृष्टिकोण, प्रेरणा, भाग लेने की इच्छा, जो सीखा जा रहा है उसका मूल्यांकन करना, और अंततः जीवन के तरीके में अनुशासन के मूल्य को शामिल करने से संबंधित है। मतलब इसमें क्या है, जितना भी हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे भावनाओं से रिलेटेड जितनी भी चीजें आ जाती है वो सारी इसमें आ जाती है, जैसे कि दृष्टिकोण हो गया, हमारा किसी चीज के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, ठीक है, प्रेरणा आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगी, हम कितने मोटिवेटेड है किसी चीज के लेकर, या फिर कितने कह सकते हैं डिमोटिवेटेड है, ठीक। फिर आ जाएगा भाग लेने की इच्छा, मतलब किसी चीज में हमें पार्टिसिपेट करना है, वो हमारी कितनी इच्छा उसकी होती है, ठीक है। बाकी है जो हम सीखते हैं जीवन में, या जो भी हम आजकल सीख रहे हैं उसका हमें मूल्यांकन करना है, विश्लेषण करना है, ठीक है। उसके बाद है कि उसको अपने जीवन में कैसे हमें अपनाना है, जो हमने सीखा है उसको कैसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो इसके 5 पॉइंट्स है। पहला है रिसीविंग, यानी विलिंगनेस टू लिसन, मतलब सुनने की इच्छा। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो सीखने वाला होता है उसको सुनने की इच्छा होती है, मतलब सुनने की इच्छा उसको होनी चाहिए कि जो भी कोई इंफॉर्मेशन है वो कोई बता रहा है, या कोई किसी चीज के बारे में ज्ञान दे रहा है, या किसी चीज के बारे में सिखा रहा है, तो सबसे पहले पॉइंट आता है इसमें सुनने की इच्छा, ठीक। अगला है रिस्पॉन्डिंग, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, यानी प्रत्युत्तर देना, कि भाग लेने की इच्छा कितनी है उसमें, कि अगर कुछ सीख लिया है, जैसे आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप लोग उसको मतलब रिस्पॉन्स करते हो या नहीं करते हो, वो इसमें आ जाएगा कि आपको भाग लेना है उसमें, आप उस चीज का जवाब मुझे दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है। फिर है वैल्यूइंग, यानी एबिलिटी टू सी द वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का मूल्य या मूल्य देखने की क्षमता, कि मतलब जो भी हम सीख रहे हैं वो उसको हमें एक तरह से ऐसे समझना है कि वो हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, ये कौन कौन सी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इस तरह से समझो कि एक हिसाब से पहला है हमारा पढ़ाई करना, फिर साथ में हम फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बाकी घर के काम काम करते हैं, या कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं, अपना कह सकते हैं जो हमारी हॉबी है वो करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें इसमें आ जाती है, कि जो जो हम चीजें करते हैं उसको हमें देखना है कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे और कौन सी नहीं है, ठीक। अगला है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज और इंफॉर्मेशन, यानी विभिन्न मूल्यों या सूचनाओं को एक साथ रखना। तो पहला था, हमने जो पहला वाला था इससे पहले वाला पॉइंट, उसमें क्या किया था हमने कि ऐसे ऐसे देखा था कि क्या क्या चीजें हैं हमारी लाइफ में करने के लिए, जो जो चीजें हम करते हैं, मान लो पहला है हम पढ़ाई करते हैं, दूसरा है हमारी हॉबी, मान लो हमें डांस करना अच्छा लगता है तो हम डांस करते हैं, या फिर हम फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, घर वालों की हेल्प करते हैं खाना बनाने में, सफाई करने में, बर्तन धोने में। फिर जो ऑर्गेनाइजिंग वाला है, इसमें क्या है
कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी है तो हमें पहले वो करनी है। जैसे मान लो पहला है हमारा पढ़ाई करना, तो सबसे पहले पढ़ाई को रख लेंगे कि सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम चीजों को जो हमारी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पहला हमारा इंपॉर्टेंट होगा कि हमें पढ़ाई करनी है पहले। दूसरा है कि जो हमारी हॉबी है हम वो भी दिन में कुछ करते हैं, मान लो किसको डांस करना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, तो वो भी हम कर रहे हैं। बाकी जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम है ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो इसको हम लास्ट में लेंगे। उससे पहले हम ऐसा ले सकते हैं कि अपने पेरेंट्स की हम कितनी हेल्प करते हैं घर के कामों में, ठीक है। इस तरह से इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे हम चीजों को, ठीक। फिर लास्ट वाला पॉइंट है इसमें कैरेक्टराइजेशन, यानी विलिंगनेस टू चेंज वंस बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ, मतलब एक बार व्यवहार या जीवन शैली को बदलने की इच्छा। कि पहले क्या है, हमने उस चीज को कह सकते हैं कि अपनी जो हमारी दिनचर्या है उसमें जो हमारे जरूरी काम थे उसको हमने ऑर्गेनाइज किया कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ऐसे ऐसे करके हमने उसको ऑर्गेनाइज किया। फिर हमने उसको कह सकते हैं कि अपने जीवन में अपनाया, ठीक। फिर इस तरह से हमारा बिहेव बदलेगा कि हम अपने कह सकते हैं अपनी जीवन शैली को बदलेंगे इस तरीके से कि जो चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी है उनको हम पहले करते हैं, जो कम जरूरी है उनको हम छोड़ देते हैं या कुछ टाइम बाद करते हैं, कुछ दिनों के बाद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे इसमें जीवन शैली में बदलाव आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा अफेक्टिव डोमेन यानी भावनात्मक पक्ष। ये वाला क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है ये वाली स्लाइड? यस मैम। ठीक है। थर्ड था हमारा साइकोमोटर डोमेन यानी मनोक्रियात्मक पक्ष जो हमारा होता है। पहला हमारा है कॉग्निटिव, जो हमारा है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, मतलब कितनी चीजें हमें याद रहती है, कितनी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक। दूसरा है अफेक्टिव, जो है हमारा इमोशन से रिलेटेड, फीलिंग से रिलेटेड। तीसरा है हमारा साइकोमोटर, जो है हमारा कोई भी स्किल्स होती है, टेक्निकल स्किल्स होती है, उनको सीखने से संबंधित। तो हमने जो पहले डायग्राम देखा था उसमें पहले हमने देखा था अफेक्टिव में दिमाग के, नहीं सॉरी, कॉग्निटिव में दिमाग का डायग्राम था वहाँ पे। दूसरा वाला जो अफेक्टिव था उसमें हार्ट था, वहाँ पे दिल बना था। थर्ड वाला उसमें हाथ था, मतलब जो हम टेक्निकल स्किल सीखते हैं वो सारी हमारी साइकोमोटर डोमेन में आती है। तो क्या है ये? इट इज मेनली कंसर्न्ड विद एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, मतलब यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। मतलब इसमें आ सकता है जैसे हम उदाहरण के तौर पर के गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, या कोई कह सकते हैं कोई जैसे गेम खेलना सीखते हैं, ऐसी ऐसी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इसमें इमिटेशन। इमिटेशन होता है कॉपिंग ऑफ फिजिकल बिहेवियर, यानी नकल होता है इमिटेशन का हिंदी का अर्थ, और इसमें होता है शारीरिक व्यवहार की नकल। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो हम गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम जिससे सीखेंगे तो वो जैसे गाड़ी चलाते हैं या जैसे उन्होंने हमें बताया है तो हम उसकी नकल करेंगे, मतलब उसको उसकी इमिटेशन करेंगे, उसको उस चीज को कॉपी करेंगे कि वो कैसे करते हैं, तो हमें उस चीज को कॉपी करना है क्योंकि हमें वो चीज सीखनी है, हमें गाड़ी चलाना सीखना है, ठीक। फिर दूसरा आ जाएगा इसमें मैनिपुलेशन, यानी परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शंस बाय मेमोरी, यानी हेर फेर हम कहते हैं मैनिपुलेशन को, स्मृति द्वारा कुछ क्रियाएं करना। कि अब पहला तो है कि पहला तो किसी ने हमें कुछ सिखाया, फिर हमने क्या किया उस चीज का खुद को देख के, मतलब जो औरों को देख के हमने खुद पे उसको अप्लाई किया कि हम उनको देख के चलाते हैं कि देखो पहले ऐसा कर, पहला स्टेप ये होता है, दूसरा ये होता है। फिर होता है कि स्मृति द्वारा हेर फेर कुछ क्रियाएं करना, इसमें होता है कि हमें जितना याद रहा है या जितना भी उन्होंने बताया है वो सब हमारे दिमाग में है कि ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं, पहला स्टेप ये होता है, दूसरा ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्मृति द्वारा कुछ क्रियाएं करना, मतलब वो चीजें हमारे स्मृति में है तो वो चीज हम उस चीज को कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, जो हमने याद किया था वो चीजें हम कर रहे हैं। ये आ जाएगा हमारा मैनिपुलेशन में। फिर है प्रिसीजन, यानी एक्यूरेसी इन परफॉर्मिंग वेरियस एक्ट्स इंक्रीजेस विद प्रैक्टिस, यानी परिशुद्धता, अभ्यास के विभिन्न कार्यों को करने में परिशुद्धता बढ़ती है। मतलब इसमें आता है प्रैक्टिस, जो चीज पहले हमने किसी को देख के की खुद से, फिर उसको कह सकते हैं मैनिपुलेट किया, उसके बाद है हमने बार बार उस चीज की प्रैक्टिस की, क्योंकि अगर कोई भी हमें टेक्निकल स्किल सीखनी है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है और बार बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ताकि वो क्या कहते हैं हमारे दिमाग में एक तरह से फिट हो जाए कि हम उस चीज को भूलें ना, या बार बार से प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा उसमें परफेक्शन आता है, ठीक है। फिर ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ है आर्टिकुलेशन, यानी अचीविंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिकेसी एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस, मतलब अभिव्यक्ति। इसमें क्या आ जाएगा कि अभ्यास के माध्यम से प्रभावकारिता और प्रभावशीलता का वांछित स्तर प्राप्त करना।
मतलब हमने प्रैक्टिस कर ली पहले वाले स्टेप में, तो इसमें क्या होगा कि उसी प्रैक्टिस के जरिए हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे हम पहुंचना चाहते थे। मान लो हमें पूरी तरीके से गाड़ी चलाना आ गया है, ठीक है, तो हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक, ये आ जाएगा हमारा आर्टिकुलेशन में। अगला है नेचुरलाइजेशन, यानी स्किल इज इंटरनलाइज एंड अ लर्नर इज एबल टू अडेप्ट, मतलब प्रकृतिकरण, कौशल को आंतरिक बनाया जाता है और एक शिक्षार्थी अनुकूलन करने में सक्षम होता है। मतलब अब क्या हो गया है कि पहले तो उसने सबसे पहले किसी की नकल की थी जिससे उसको सीखनी थी वो चीज, ठीक है, फिर उसने जो जो उसके दिमाग में था तो उसके हिसाब से वो मैनिपुलेट करता था। पर अगला था कि उसने प्रैक्टिस की बार बार उसी चीज की, उसको गाड़ी चलाना सीखना था तो वो बार बार उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। फिर अगला क्या था कि प्रैक्टिस करने के बाद उसमें एक परफेक्शन आ गई कि जहां तक वो सीखना चाहता था, ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से वो गाड़ी चलाना सीख गया है। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि बिल्कुल अब हम उस चीज को सीख चुके हैं, अब हम उस चीज को कह सकते हैं कि अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, हम बिल्कुल पूरी तरह से उसमें सक्षम हो गए हैं, जो भी हमें स्किल सीखनी थी उसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये है इसके पूरे 5 पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर है सभी को? हाँ जी मैम, जी जी, तो अभी इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसमें तीन है मेन, तीन पॉइंट्स इन्होंने दिए थे। पहला था हमारा कॉग्निटिव, जो होता है हमारे संज्ञानात्मक पक्ष, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड होता है, मतलब जितनी भी सारी कह सकते हैं जितनी भी याद करने वाली चीजें होती है, ये हमारी चीजें याद करने की क्षमता कितनी है, उसको किस तरह से हम उसका मतलब जानते हैं, किस तरह से उसको जीवन में अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है कॉग्निटिव डोमेन में। दूसरा देखा था हमने अफेक्टिव, यानी भावनात्मक पक्ष, इसमें होता है सारा हमारे इमोशन से रिलेटेड, कि मान लो हमें किसी चीज में कह सकते हैं कि हम लोगों पहले लोगों के विचारों को सुनते हैं, फिर रिस्पॉन्ड भी करते हैं, हमें पार्टिसिपेट भी करना होता है, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को कैसे कैसे, कि कौन सी हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है और कौन सी कम जरूरी है, फिर हम उसके हिसाब से जो चीज ज्यादा जरूरी होती है उसको करते हैं, ठीक। फिर सबसे लास्ट में इस वजह से हमारा व्यवहार चेंज हो जाता है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन की जो कह सकते हैं क्रियाएं होती है उनको एक तरह से इस तरह से बनाते हैं, ज्यादा जरूरी और कम जरूरी, फिर ज्यादा जरूरी को हम करते हैं, तो इस तरह से हमारा जो जीवन होता है वो बेहतर बनता है। वो आया था हमारा अफेक्टिव में। थर्ड था हमारा साइकोमोटर डोमेन, यानी मनोक्रियात्मक पक्ष, इसमें होता है हमारा टेक्निकल स्किल्स, जो भी हम कह सकते हैं तकनीकी जो कौशल होते हैं उनको सीखने की जितनी भी क्षमता होती है, जो चीजें हम करते हैं वो सारा इसमें आ जाता है। इसमें आता है कि पहले हम किसी चीज को किसी की नकल करते हैं, फिर उसके बाद उसमें स्मृति के द्वारा उसमें याद जो हमें याद रहता है, तो हमें खुद से अगर वो करना है तो उसमें मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के बाद हम उसमें बिल्कुल कह सकते हैं कि परफेक्ट हो जाते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट इसमें था कि उस चीज को हम जीवन में अपनाने लग जाते हैं, फिर क्या हम बिल्कुल उसमें परफेक्ट हो गए हैं, जो भी हम स्किल सीखना चाह रहे थे तो अभी हमें उसको अपने जीवन में अपनाना है, ठीक। ये वाला हो गया हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, अभी देखते हैं अगला वाला। अगला है हमारा गैगनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग, यानी गैगने का सीखने का पदानुक्रम, तो इसमें बताए गए हैं अधिगम के 8 प्रकार, यानी 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, तो इसको याद कर लीजिएगा आप, इन सबके नाम भी याद कर लीजिएगा। पहला है इसमें सिग्नल लर्निंग, यानी जिससे कहते हैं हम संकेत अधिगम, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही देख लेते हैं। अगला है हमारा एसआर लर्निंग, एसआर होता है स्टिमुलस रिस्पांस, ये इसकी फुल फॉर्म है, स्टिमुलस रिस्पांस लर्निंग, यानी उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उसके बाद है हमारा चेन लर्निंग, जिसमें जिसे हम कहते हैं श्रृंखला अधिगम। फिर है वर्बल लर्निंग, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं हम शाब्दिक अधिगम। उसके बाद आता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहुविभेदन अधिगम। फिर है कॉन्सेप्ट लर्निंग, यानी संप्रत्यय अधिगम। सेकेंड लास्ट है हमारा प्रिंसिपल लर्निंग, यानी सिद्धांत अधिगम। और सबसे लास्ट में हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी समस्या समाधान अधिगम। ये जो सीखने के 8 प्रकार दिए गए हैं, ये दिए गए हैं गैगने के द्वारा, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा और इनका सीक्वेंस भी याद रख लीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें सिग्नल लर्निंग, यानी जिसे हम कहते हैं संकेत अधिगम। तो ये क्या होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, यानी यह सीखने का सबसे सरल रूप है, जो हमारा कह सकते हैं सबसे पहला भी इसको समझ सकते हैं, यह कह सकते हैं कि जो सबसे आसान तरीका होता है किसी चीज को सीखने का वो आ जाता है हमारा सिग्नल सिग्नल लर्निंग में, ठीक।
इट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट पेवलव, यानी इसमें अनिवार्य रूप से व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक पेवलव द्वारा वर्णित शास्त्रीय कंडीशनिंग शामिल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पेवलव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी वो क्या थी। देखो इसको याद रख लीजिएगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, तो ये दी थी पेवलव ने, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको कह सकते हैं मिलाने वाले क्वेश्चंस में आ सकता है, जो मैचिंग वाले होते हैं ना, कि ये वाली थ्योरी किसने दी है। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी उन्होंने क्या किया था, जो पेवलव थे उन्होंने कह सकते हैं कि मतलब कुत्ता था वो काफी दिनों से भूखा था। ठीक है, मतलब बहुत टाइम से उसने कुछ खाया नहीं था तो वो काफी दिनों से भूखा था, तो उन्होंने उसको एक कह सकते हैं एक बॉक्स में ना बंद कर लिया था। तो उस बॉक्स के कह सकते हैं कि एक बिल्कुल वो, लेकिन उस बॉक्स में उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है, बाहर से वो उसको देख रहे थे कि वो कैसी कैसी हरकतें उसमें कर रहा है। तो उसमें क्या किया था उन्होंने कि वो जैसे बहुत दिनों से भूखा था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसको ना खाना दिया, तो खाना देख के उसके मुंह में मुंह से सलाइवा निकलने लगा, लार निकलने लगी। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगला स्टेप में उन्होंने क्या किया कि पहले वो बेल बजाते थे, बेल बजाया उन्होंने, फिर उनको उन्होंने डॉग का रिएक्शन देखा, बेल बजने पे डॉग ने डॉग का सलाइवा नहीं निकला। ठीक, फिर अगला स्टेप उन्होंने क्या लिया, उन्होंने बेल बजाने के साथ साथ बेल भी बजी और उस कुत्ते को खाना भी दिया, फिर इससे क्या हुआ कि उसका सलाइवा निकलने लगा। फिर ऐसा उन्होंने बार बार किया कि काफी टाइम तक वो करते रहे कि बेल भी बजाते थे और साथ में कुत्ते को खाना भी देते थे। तो इससे क्या हुआ कि उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई कि उसको एक सिग्नल मिलता है पहले, उसके बाद उसको खाना मिलता है, पहले एक बेल बजती है उसके बाद उसको खाना दिया जाता है। फिर उन्होंने देखा कुछ टाइम बाद, जब इस प्रैक्टिस को काफी दिन हो गए थे, कि फिर उन्होंने बेल ही बजाई फिर भी डॉग का सलाइवा निकलने लगा, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया था, ऐसा सिग्नल था कि जब वो बेल की आवाज सुनता है तो उसको लगता है कि खाना मिलने वाला है। काफी टाइम हो गया था इस प्रैक्टिस को करते करते, तो बिना खाना मिलते ही अगर बेल बज रही है, केवल बेल ही बज रही है, खाना नहीं मिल रहा है, फिर भी क्या होता था, उस कुत्ते का सलाइवा निकलने लगता था। तो ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी गई थी पेवलोव के द्वारा। तो ये है इसमें, इसके बारे में है। ठीक है, जो हमारा सिग्नल लर्निंग है कि सिग्नल के जरिए सीखना, कि उस सिग्नल से उसको पता चला कि बेल बजती है तो मुझे खाना मिलता है, तो जब बेल ही बजती थी अगर खाना भी ना दिया जाए फिर भी उसका सलाइवा निकलने लगता था कुत्ते का। ठीक, और क्या है इसमें, इन दिस द एनिमल और इंडिविजुअल एक्वायर्स अ कंडीशन्ड रिस्पॉन्स टू अ गिवन सिग्नल। मतलब इसमें जानवर या व्यक्ति किसी दिए गए संकेत के प्रति एक वातानुकूलित प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें कोई भी या सीखने वाला तो जानवर भी हो सकता है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो वो कह सकते हैं कि अगर उनको कोई सिग्नल मिलता है तो वो एक रिस्पॉन्स करते हैं उस सिग्नल पे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, व्हेन देयर इज अ रेड सिग्नल इन द रोड पीपल स्टॉप देयर व्हीकल्स, मतलब जब के सड़क पर लाल सिग्नल होता है तो लोग अपने वाहन रोक देते हैं। ये हो गया उदाहरण कि उनको सिग्नल मिला, कि उन्होंने देखा कि रेड सिग्नल है तो उनको रुकना है, अगर ग्रीन सिग्नल आएगा तो उनको चलना है, कि ये सिग्नल उनको पहले मिलता है फिर वो उस चीज पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा सिग्नल हो गया रेड लाइट के, बट लोगों ने रेड लाइट देखी। ठीक है, फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है उनका, कंडीशन रिस्पॉन्स है, पीपल स्टॉप देयर व्हीकल्स, मतलब उन्होंने कह सकते हैं कि अपने वाहन रोकने शुरू कर दिए। ये हो गया हमारा सिग्नल लर्निंग। इसमें किसी को कोई डाउट, क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, अगला है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यानी उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना। तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेंट, ऑपरेंट होगा ये, टी होगा ये, डी नहीं होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय स्किनर, मतलब इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में भी जाना जाता है, इसे मूल रूप से स्किनर द्वारा विकसित किया गया था। तो जो हमारी पहले वाली थ्योरी थी पिछले वाली सिग्नल लर्निंग में, वो थी क्लासिकल कंडीशनिंग, वो दी थी पेवलव ने। ठीक, लेकिन जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये दी गई है स्किनर के द्वारा। दोनों जो ये थ्योरीज हैं इनके नाम भी याद रखिएगा, और किसने ये दी थी इन दोनों के नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या था, ऑपरेंट कंडीशनिंग में थोड़ा सा अलग था बस ये उससे। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें एक भूखे चूहे को उन्होंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था। ठीक है, वो भी काफी टाइम से भूखा था, उसको कुछ मिला दिया दिया नहीं था खाने के लिए। ठीक है, फिर क्या था, लेकिन उसी बॉक्स में एक कह सकते हैं एक बटन या एक लीवर था कि अगर उस चीज को प्रेस कर लेता तो उसके सामने खाना आ जाएगा।
ठीक है, तो वो काफी टाइम तक उसको पता तो था नहीं, पहले उसको उन्होंने बॉक्स में बंद कर दिया, फिर वो इधर उधर उसमें घूमता रहा, कुछ कुछ करता रहा कि मैं बाहर कैसे निकलूँ इस चीज से, लेकिन फिर गलती से उसका हाथ मतलब पैर उस बटन पे पड़ गया, ठीक है, फिर बेल बजे और उसके सामने खाना आ गया, ठीक है, फिर उसने खाना खाया, फिर वो और जो अगले दिन फिर वो ऐसे करता रहा, घूमता रहा घूमता रहा, फिर गलती से फिर से उसका पैर उस बटन पे पड़ गया, बेल बजी, खाना आ गया, फिर इस चीज को करते करते जब काफी टाइम हो गया, तो अब इसमें क्या था कि अगर उस चूहे को और भूख लगती थी तो उसको पता था कि अगर मैं इस वाली चीज को प्रेस करूंगा तो मेरे सामने खाना आ जाएगा, तो बार बार जब ये चीजें हो गई थी उसके साथ तो अब वो इधर उधर नहीं भटकता था, सीधा उस बटन को प्रेस करता था, बेल बजती थी और उसके सामने खाना आ जाता था, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक, ये दी गई थी B.F. स्किनर द्वारा। इसमें क्या है और पढ़ते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग इज ऑल अबाउट गेटिंग अ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुली, मतलब उत्तेजना प्रतिक्रिया सीखना किसी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बारे में है, ठीक, इसका एग्जाम्पल इस तरह से समझ सकते हैं, व्हेन अ टीचर इंस्ट्रक्ट्स द स्टूडेंट्स टू रेज देयर हैंड्स द स्टूडेंट्स इमीडिएटली रेज देयर हैंड्स, मतलब अगर मान लो कोई शिक्षक कहते हैं छात्रों को कि आप अपने हाथों पर उठाओ, हैंड रेज कीजिए आप सभी, ठीक है, तो छात्र तुरंत अपने हाथों पर उठा लेते हैं, ठीक है, इसमें स्टिमुली क्या है, द टीचर इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, मतलब शिक्षक छात्रों को निर्देश दे रहा है, ठीक है, और रिस्पॉन्स क्या करे हैं बच्चे उस चीज पे, स्टूडेंट रेजिंग देयर हैंड्स, मतलब छात्र अपने हाथ उठा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? ठीक यस मैम। है, अभी देखते हैं चेनिंग यानी श्रृंखला के, चेनिंग के जरिए हम कैसे सीख सकते हैं, तो इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज एबिलिटी टू कनेक्ट टू और मोर प्रीवियसली लर्न स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड्स इनटू अ लिंक्ड सीक्वेंस, यानी इस प्रकार की सीख से दो या दो से अधिक पहले से सीखे गए प्रोत्साहन प्रतिक्रिया बंधनों को एक जुड़े अनुक्रम में जोड़ने की क्षमता है, मतलब कि कह सकते हैं कि इसमें एक श्रृंखला बनानी होती है हमें, जो हमने पहले से कुछ सीखा है या देखा है किसी चीज को, मतलब कि ये चीज ऐसे ऐसे होती है, तो इसमें एक श्रृंखला होती है कि पहले में ये होता है फिर ये होता है फिर ये होता है, कि एक हम श्रृंखला बनाते हैं जो हमने पहले देखा है, फिर उस चीज को हम खुद से करते हैं जो हमने पहले सीखा होता है कि इसकी ऐसी श्रृंखला है, पहला स्टेप इसमें ये है दूसरा ये है, तो उस जो जो चीज हमने पहले देखी है उसको देख के हम अपना काम करते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है, व्हेन अ चाइल्ड सॉ अ डॉल इट फर्स्ट रिप्रेजेंट इट एज अ बेबी, इट ड्रेसेज अप द डॉल डू मेकअप द डॉल देन फीड्स द डॉल, मतलब ये जब कोई बच्चा है गुड़िया को देखता है तो सबसे पहले उसको लगता है कि एक बच्चे के रूप में, उसको लगता है कि ये बच्चे की जैसा है, कि जैसे बच्चे होते हैं वैसा ही है ये डॉल, कितने डॉल जो हमारी गुड़िया है, ठीक है, फिर क्या करता है, वो गुड़िया को कपड़े पहनाता है, गुड़िया का श्रृंगार करता है, फिर गुड़िया को खिलाता है, ठीक है, तो मतलब उसने क्या किया, तो एक गुड़िया को जब उसने देखा तो उसको लगा कि ये तो बिल्कुल इंसान जैसा है, या जैसे कह सकते हैं कि बच्चे होते हैं उस तरह का है, ठीक है, तो क्या करता है वो पूरी तरह से, जैसे बच्चों को उन्होंने देखा होगा कि उनके पेरेंट्स कैसे उनको तैयार करते हैं, कैसे खाना खिलाते हैं, वो सारी चीजें वो गुड़िया के साथ करता है, कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीख रहे हैं इस चीज से, कि उन्होंने अपनी मदर को देखा था कि वो इस तरह से हमें तैयार करते हैं खाना खिलाते हैं, ठीक है, तो वो भी गुड़िया के साथ वैसे वैसे सीखने लगता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, द चाइल्ड कनेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ बेदिंग फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द डॉल, इट वॉचेज हाउ एल्डर टेक केयर ऑफ द बेबीज एंड रिक्रिएट इट व्हेन इट लुक्स द डॉल, ठीक, यहाँ क्या है कि बच्चा नहलाने खिलाने और गुड़िया की देखभाल करने जैसी गतिविधियों से जुड़ता है, यह देखता है कि जो बुजुर्ग होते हैं बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने पहले देखा है कि जो बुजुर्ग है या आसपास के लोग हैं वो किस तरह से बच्चों की देखभाल करते हैं, तो वो गुड़िया को एक बच्चे के रूप में अगर देख रहा है तो फिर क्या होता है, वो गुड़िया को देखती है और फिर उसे बनाती है, मतलब जैसे बुजुर्ग उसने देखा कि उसके घर पे जो बड़े लोग हैं वो हम बच्चों को कैसे तैयार करते हैं, तो जब उसके सामने गुड़िया दे दी जाती है तो वो उसको एक बच्चे के रूप में देखता है कि हम भी उसको इस तरह से तैयार करें, तो उसमें उसकी लर्निंग हो रही है, ठीक है, इस वाले में किसी को कोई डाउट? कि मैम चैन चैन श्रृंखला जो है ये किसके द्वारा गया है बताया गया है। नहीं, इसका ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा पहले वाला था उसमें ही दो थ्योरीज थी, इसमें ऐसी कोई दी नहीं गई है थ्योरी, ओके मैम। हाँ जी, अभी है हमारा वर्बल एसोसिएशन यानी मौखिक संगति, कि हम वर्बली कैसे सीख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है,
दिस इज द फॉर्म ऑफ चेनिंग इन विच द लिंक्स बिटवीन द आइटम बींग कनेक्टेड आर वर्बल इन नेचर. मतलब ये श्रृंखला का ही रूप है, जो हमने पिछला पढ़ा था चेनिंग, उसका ही ये रूप है. लेकिन इसमें थोड़ा अलग है. क्या अलग है इसमें? कि जिसमें जुड़ी हुई वस्तुओं के बीच के संबंध मौखिक प्रकृति के होते हैं. वहां पे क्या था, चेनिंग में हम जो चीज कर रहे थे वो अपने हाथों के साथ कर रहे थे. मतलब अगर हम कोई भी काम कर रहे थे, वहां पे हमने बच्चे को गुड़िया दी तो बच्चा गुड़िया को तैयार कर रहा था, उसको खाना खिला रहा था, तो वो सारे काम हाथों के साथ कर रहा था, मतलब. ठीक है. लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हमें किसी वस्तु के बीच संबंध का पता है हमें, तो वो हम मौखिक रूप से करते हैं, मतलब हम बोल के करते हैं. ये आ जाता है हमारा वर्बल एसोसिएशन में. ठीक है. वर्बल एसोसिएशन इज वन ऑफ द की प्रोसेसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स. मतलब भाषा कौशल के विकास में मौखिक जुड़ाव प्रमुख प्रक्रियाओं में से एक है. मतलब अगर हमें अपनी लैंग्वेज स्किल को बढ़ाना है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है वर्बल एसोसिएशन का. ठीक है. दिस लर्निंग इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग बट द लिंक्स आर वर्बल यूनिट. मतलब यह सीखना एक प्रकार की श्रृंखला ही है, जैसे हमने पहले पिछले वाले में ट्रेनिंग पढ़ा था. लेकिन इसमें कड़ियां जो है वह मौखिक इकाइयां हैं, कि हमें बोल के इसमें सीखना है. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है, व्हेन अ चाइल्ड नेम्स एन ऑब्जेक्ट बॉल, इट ऑल्सो सेज राउंड बॉल, ब्लैक एंड व्हाइट बॉल. मतलब इसमें क्या है कि जब कोई बच्चा किसी वस्तु का नाम गेंद रखता है, मतलब अगर उसने किसी, कह सकते हैं कि बॉल देखा है, तो उसने उसको कहा कि ये बॉल है, तो साथ में वो ये भी बताता है कि वो गोल होती है, कि जो बॉल होती है वो गोल होती है. अब उसका रंग भी, उसको रंग के बारे में भी वो बताता है कि काली बॉल है या सफेद बॉल है. ठीक है. तो इसमें क्या है कि वो लिंक्स बना रहा है, कि सबसे पहले तो बॉल बॉल देखी, फिर कैसी है, उसकी शेप कैसी है, गोल है, फिर कलर कैसा है, ब्लैक कलर की है, व्हाइट कलर की है, रेड कलर की, जैसी जैसी भी है. ठीक है. इसमें क्या है, हेयर द चाइल्ड एसोसिएट द वर्ड बॉल विद इट्स शेप एंड कलर. मतलब यहाँ बच्चा गेंद शब्द को उसके आकार और रंग से जोड़ता है. जैसे पिछला वाला था चेनिंग वाला, उसमें भी ऐसा ही हो रहा था कि एक श्रृंखला बन रही थी, कि जैसे बच्चे ने अपने बुजुर्गों को देखा कि वो बच्चों को इस तरह से तैयार करते हैं, तो अब वो गुड़िया को उस तरह से ही तैयार कर रहे थे. लेकिन इसमें क्या है, बच्चे चेन बना रहे हैं, लेकिन किस चीज़ में, बोल के कर रहे हैं वो, कि उन्होंने बॉल देखी, तो कैसी होती है, गोल होती है बॉल, उसका कलर उन्होंने बताया. ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारा वर्बल एसोसिएशन. इसमें किसी को कोई डाउट? मैम, क्लियर है इसमें सभी को? चेन चेन कहाँ बन रहा है? हाँ चेन इसमें ऐसे बन रहा है ना, जैसे सबसे पहले मान लो उन्होंने कोई बॉल देखी, बॉल छोड़ो, मान लो उन्होंने कोई, कह सकते हैं कि टेबल देखी, तो वो टेबल के बारे में बताएंगे कि उसका शेप कैसा है, कि उसके चार पैर होते हैं टेबल के, ऊपर से फ्लैट होता है, फिर उसका कलर कैसा है, ब्लैक कलर का है, ब्राउन कलर का है, तो मतलब उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है, उसके उसके बारे में वो सीख रहा है टेबल के बारे में. लेकिन एक उसका चेन इस तरह से बन रही है कि पहले उसने उसको बाहर रूप से देखा कि ये टेबल बोलते हैं इसको, ठीक, फिर उसने अंदर उसमें देखा कि इसकी, कह सकते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कि चार पैर होते हैं टेबल के, फिर ऊपर से फ्लैट होता है, फिर उसका कलर कैसा है, ये सारी चीजें, ये सारी इसमें चेन में आ जाएंगी. ठीक है. हाँ यस मैम, समझ. जी. अगला है हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यानी विभेदन अधिगम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. दिस इन्वॉल्व डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू अ सीरीज ऑफ सिमिलर स्टिमुली दैट डिफर इन अ सिस्टमैटिक वे. मतलब इसमें क्या है कि समान उत्तेजनाओं की एक श्रृंखला के लिए उचित प्रतिक्रिया करने की क्षमता विकसित करना शामिल है, जो व्यवस्थित तरीके से भिन्न होती है. मतलब कि इसमें हमें विभेदन करना है, मतलब अलग अलग चीजें, जैसे मान लो एक सी कोई चीजें हैं, लेकिन वो किसी, कह सकते हैं कि कोई रीजन तो होगा ना, उनमें थोड़े बहुत अंतर होगा, जो तो इसमें हमें जो लगभग थोड़ी एक सी चीजें हैं, उसमें हमें इसमें अंतर करना होता है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होता है. ठीक है. दिस इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स कलर शेप एटसेट्रा. मतलब इसमें किसी वस्तु को उसके रंग आकार आदि के आधार पर अलग करने की क्षमता का विकास शामिल है. ठीक. एग्जाम्पल इसमें लिया गया है, व्हेन सीइंग लॉट्स ऑफ कार्स इन द रोड, डिफरेंशिएटिंग द कार्स बाय इट्स नेम्स. मतलब अगर हम सड़क पर बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं, तो हम उनको उनके नामों से अलग करते हैं, कि मतलब अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग नाम होते हैं ना, तो है तो वो एक जैसी है, तो सारी गाड़ियां ही है ना, लेकिन नाम तो सबके अलग अलग हैं. ठीक है. तो उस है चीजें एक सी, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कोई अंतर है, तो वो हमें अंतर पता करना है, वो आ जाता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में. इसमें क्या है, दीज
आर ऑल कार्स, द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट दैम इज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, मतलब यहाँ सभी कारें हैं, उन्हें अलग करने की क्षमता भेदभाव सीखना है या विभेदन अधिगम है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? आवाज आ रही है मेरी? ठीक यस मैम। है, अगला है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी संप्रत्यय अधिगम जिसे हम कहते हैं। इन लर्निंग अ कॉन्सेप्ट वी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली इन टर्म्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, शेप, पोजीशन एंड नंबर एज अपोज टू कंक्रीट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्पेसिफिक वेवलेंथ्स और पर्टिकुलर इंटेंसिटीज। मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गया, हिंदी में देखते हैं एक बार, किसी अवधारणा को सीखने में हम विशिष्ट तरंग धैर्य या विशेष तीव्रता जैसे ठोस भौतिक गुणों के विपरीत रंग, आकार, स्थिति और संख्या जैसी अमूर्त विशेषताओं के संदर्भ में उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें, व्हाइल ड्राइविंग अ कार वन मस्ट स्टार्ट विद क्लच गियर एंड देन स्लोली रिलीज द क्लच एंड रेज द एक्सिलरेटर। मतलब कि कार चलाते समय व्यक्ति को क्लच और गियर से शुरुआत करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ना चाहिए और एक्सिलरेटर को ऊपर उठाना चाहिए। ठीक है, मतलब हम कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे हैं, मतलब जो भी उसके बारे में चीज़ है, किसी भी चीज़ के बारे में हम डीप नॉलेज रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम कार चलाने के बारे में सीख रहे हैं, तो हमें हर मतलब स्टेप बाय स्टेप पता है कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, मतलब उसके बारे में डीप नॉलेज है। ठीक, इसमें क्या है, हियर द कॉमन कॉन्सेप्ट इज स्टार्ट विद क्लच गियर एंड देन स्लोली रिलीज द क्लच एंड रेज द एक्सिलरेटर इज बींग लर्न्ड। मतलब यहाँ सामान्य अवधारणा यह सीखी जा रही है कि क्लच और गियर से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़े और एक्सिलरेटर बढ़ाएं। मतलब इसमें यही है कि कोई भी चीज अगर हमें सीखनी है तो उसका हमें जो कॉन्सेप्ट है वो डीप में सीखना पड़ता है किसी भी चीज के बारे में। जैसे यहाँ पे गाड़ी चलाने का ही उदाहरण दिया गया है, तो उसके बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप पता है। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। हाँ जी, अगला है हमारा रूल लर्निंग यानी नियम से सीखना। ठीक, इसमें क्या है, दिस इज अ वेरी हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स बीइंग एबल टू लर्न रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड अप्लाई दीज रिलेशनशिप इन डिफरेंट सिचुएशंस। मतलब यह बहुत ही उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो हमारी रूल लर्निंग होती है। ठीक है, जिसमें अवधारणाओं के बीच संबंधों को सीखने और इन संबंधों को विभिन्न स्थितियों में लागू करने में सक्षम होना शामिल है। मतलब सबसे पहले कि हमने किसी चीज के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जितनी भी सारी चीजें थी वो हमने पढ़ी, फिर हमें उस चीज को लागू कैसे करना है वो इसमें आ जाता है रूल लर्निंग में। एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, टू नो व्हेन टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, मतलब कि यह जानने के लिए कि पाइथागोरस प्रमेय को कब लागू करना है। पाइथागोरस थ्योरम हमारी मैथमेटिक्स में आती है। ठीक है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा, तो अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड तो हमें उसका पता चल जाता है कि यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमारी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, फिर अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या को सुलझाना। दिस इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू गैगने। मतलब गैगने के अनुसार यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम स्तर है, जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सबसे लास्ट वाला है और सबसे उच्चतम स्तर है। ठीक है, अप्लाइंग ऑल द अबव नॉलेज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड अचीव ऑल गोल्स। मतलब अपनी समस्या को हल करने और सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सभी ज्ञान को लागू कर किया जाता है इसमें, क्योंकि नाम है इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम उच्चतम स्तर में पहुंच चुके हैं, जो हमारे पिछले वाले जितने भी लेवल्स थे हमने पार कर लिए हैं, तो ठीक है, तो उसमें हमें जितना भी ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके माध्यम से हमें कह सकते हैं कि जो हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है उस चीज का हमें समाधान करना है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए सभी को? यस मैम। हाँ जी, तो आज इतना ही रखते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और गैगने वाले में? क्लियर है सभी को? ये सिलेबस बता दीजिए। कंप्लीट हो गया ना?
इसमें बताओ पहले, ये वाला हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना जो आज हमने पढ़ा? लास्ट वाला स्लाइड जो है इसको मैंने देखी क्योंकि मेरा नेट नहीं था तो मैं पहले नहीं ज्वाइन हुए। मुझे समझ नहीं आया, फिर से बोलिए। चलिए, इसमें तो नहीं है ना किसी को डाउट जो हमने आज पढ़ा है? हाँ मैम ये जो सेकंड वाला है वो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से दिया हुआ है सीक्वेंस। जो गैगने वाला था। हाँ सेकंड वाला। हाँ हाँ जी, इसमें वैसा ही है कि सबसे हम जो हमारा सबसे सिंपल तरीका था वो पहले वाला है, फिर उससे ऊपर वाला है, वैसे वैसे करके दिया गया है ये। अच्छा हाँ जी, बाकी जो कह रहे हैं कि सिलेबस अभी वैसे तो कंप्लीट हो गया है, थोड़े बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम कल खत्म कर लेंगे उसको, ठीक है? और परसों जो हमारे साथ जितने भी क्वेश्चंस आंसर हो गए हम परसों करेंगे, तो परसों आपकी लास्ट क्लास रहेगी सभी की, ठीक है? तो परसों के लिए पढ़ के आइएगा, जितना भी हमारा सिलेबस है वो पूरी तरह से, वैसे तो एक ही साथ समझ सकते हो, जो हमारा सिलेबस में दिया गया था बाहर बाहर से वो हमने सारा पढ़ लिया है, लेकिन जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं ना बीच में, वो हम कल पूरे कर लेंगे फिर, ठीक है? यस मैम। हाँ जी, तो क्लोजिंग प्रेयर। श्याम जी, श्याम जी आपकी पहली क्लास है आज, जी मैम। ठीक है? समझ आया आपको? जी मैम। आपने पहले रिकॉर्डिंग देखी है जो हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हुई है इसकी, टीचिंग एप्टीट्यूड की? नहीं मैम, मैं देख लूंगा। हाँ जी, आप एक बार उसको देख लीजिए, अगर कहीं आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ग्रुप पे मेरा नंबर है, तो अगर कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ ओके मैम। जी, आप क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। हाँ जी, ये तो लेफ्ट हो गए। सात्विक जी आप करवा लीजिए क्लोजिंग प्रेयर। मैम करा तो सकता था पर थोड़ा सा गाड़ी में बैठा हूँ मैम। अच्छा कोई बात नहीं, सुनीता जी आप करवा लीजिए। हाँ यस मैम। किसी भी सुखासन स्थिति में बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से पूरा श्वास बाहर, सांस लेते हुए वन टाइम प्राणायाम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति मंत्र ओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शांति। तो हाथ को प्रणाम की स्थिति पे लेके आएंगे, भजन करेंगे, पलकों पे लगाएंगे, फेस को मसाज देंगे और प्यारी सी स्माइल के साथ हथेलियों के अंदर आइज ओपन। हरिओम मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सुनीता जी।